वी स्टार्ट आवर डे बेसिकली आई एम स्टिल इन दैट फेज वेर आई प्लान कि मैं रोज सुबह 5-6 बजे उठ के जिम जाऊंगी, जो अभी तक हो नहीं पाया. तो मैं उठती हूँ मतलब राइट 2 आवर्स बिफोर माई कॉल टाइम. यूजली वी शूट फ्रॉम 9 to 9, 12 घंटे की शिफ्ट होती है और 1 घंटा सेट पहुंचने में लगता है. तो 6:30-7 तक दिन स्टार्ट हो जाता है मेरा. फटाफट फ्रेशन अप होके कॉफ़ी लेके गो टू द सेट. फिर वहाँ 9 घंटे के शूट के दौरान अगेन मेरे सेट पे भी यही प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं पता. आई स्टे इन माई रूम, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अपना नेटफ्लिक्स देखती हूँ, कभी कभी को एक्टर से बातचीत कर लेती हूँ. एंड शूट होते होते मेरी मेरे डायरेक्टर सर से बहुत बनती है, साहिल सर. ही हिम एंड आई थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, सीन समझाएंगे, परफॉर्म करेंगे सेट पे. फिर ब्रेक्स होगा तो अपना खाना वाना खाया, सब किया. ऐसे करते करते द डे जस्ट पासिस, सीन करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कब निकलता है. और उस बीच में ऑनेस्टली थोड़ी बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे जाके मिल लो, मस्ती कर लो, उनको चिढ़ा लो, बहुत कम होता है. आई यूजली एम अ पर्सन हु कीप्स टू माई सेल्फ. तो दैट्स इट. 12 घंटे काम किया, घर पे आए, नाउ आई हैव माई लवली हैंडसम हस्बैंड वेटिंग फॉर मी एट होम. तो अभी मुझे ये होता है कि शूट खत्म करके घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. तो बस इट्स गुड यार, इन अ सिटी लाइक मुंबई आपको घर घर पे वेट कर रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. सो यार हर्ष इज वेरी स्वीट, वो आपको प्यार भी बहुत करता है, देखा है मैंने. हाँ मैं सदा करती हूँ. म्यूजिक फेस्ट में उसने सबके सामने प्रपोज किया था, इट्स अ बिग डील यार. दैट इज ओ या दैट वाज एक्चुअली क्रेजी. एंड आई एवरीबॉडी सेड भाई ये तू ही कर सकता है, म्यूजिक फेस्टिवल में कौन प्रपोज करता है यार, ये क्या था. मेरा तो सपना है समबडी हुज विल बी शुड पूरा होगा व्हेन द राइट गाय, लाइक आई सेड ना बेबी, मुझे टिंडर पे मिला यार मुझे. एंड यू नो कि तू मुझसे कितनी ज्यादा स्मार्ट और सुलझी हुई है. आई एम अ जल्ली, यू हैव नोन मी यार, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ये होगा तुम्हारा पॉडकास्ट लेकिन इट्स अ फैमिली कन्वर्सेशन, लेट पीपल नो. मैं तो प्राउडली बोलती हूँ मैं जल्दी हूँ यार, एंड मैं हूँ. एंड मुझे अगर ये पॉसिबल हो सकता है ऑन अ साइट लाइक टिंडर, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हारा बस टाइम राइट होना चाहिए. अभी भगवान को पता है कि तुम्हारे पास भेज भी दिया, तू उसको पॉडकास्ट के लिए बिठा देगी. तो बोलेगा भाई मैं तुमसे शादी करने आया था, ये क्या है. चलो आज करते हैं आकृति के साथ वेडिंग पॉडकास्ट. टेल मी हाउ डू यू फील बाय मीटिंग मी, कैसी लगी मैं आपको. मैडम तो वैसा करेगी, बोले कि फर्स्ट डेट पे ना लेट्स गो टू फिल्मी टॉक्स, वहां करते हैं फर्स्ट डेट. ओके